आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। नगर पालिका परिषद सिवनी की कांग्रेस शासित नगर पालिका परिषद, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, सांसद भाजपा के और विधायक भाजपा के, उसके बाद भी नगर पालिका परिषद की मुगलई जारी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद कार्यालय के ठीक सामने आप देखिए सड़क पर एक आवारा मवेशी बैठे हैं और एक विचरण करते हुए आपको दिख रहे होंगे। नगर पालिका परिषद के ठीक सामने का ये नज़ारा दिखा रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, यातायात बाधित करते हुए दिख रहे होंगे। और यहाँ बस के पास भी आपको ये देखिए एक बाइक सवार स्कूटी सवार के सामने भी आपको दिखे होंगे आवारा मवेशी बैठे हुए। यहाँ सामने भी आवारा मवेशी बैठे हुए दिख रहे हैं और ये ठीक सामने नगर पालिका परिषद का कार्यालय। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। देखिए सामने यहाँ पर सड़क के डिवाइडर के पास दिख रहे हैं नगर पालिका परिषद। चाहे जो दावा करे, नगर पालिका परिषद इन आवारा मवेशियों को पकड़ने का दावा जरूर करती है, पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जिला कलेक्टर संस्कृति जैन, ये देखिए काले रंग का एक और मवेशी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा नेहरू रोड के मुहाने पर। पुलिस कर्मी यातायात संभालने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं और यातायात किस तरह बाधित हो रहा है ये हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको शंकर मड़िया के पास दो आवारा मवेशी सड़क पर दिखाई दे रहे होंगे, किस तरह यातायात बाधित हो रहा है हम आपको बता रहे थे। जिलाधिकारी संस्कृति जैन, उन्हें भी कार्यभार संभाले लंबा समय हो गया है और उनके द्वारा बार बार बैठकें ली जा रही हैं। बैठकों में उनके द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं, इन निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखने की फुर्सत किसी को भी नहीं है। देखिए सड़क के दोनों ओर आपको आवारा मवेशी यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, बाएँ हाथ की तरफ भी और दाएँ हाथ की तरफ भी। वास्तव में बहुत भयावह स्थिति है सिवनी शहर की। जिलाधिकारी जो भी दिन भर वे शायद बैठकों में व्यस्त रहती होंगी, पर ऐसा प्रतीत हो रहा है, संभवतः कहना इसलिए मुनासिब होगा कि उन्हें सड़कों पर सिवनी में आपने शायद ही कभी घूमते देखा हो। वो दिन अब हवा हुए जब जिलाधिकारी या जिला पुलिस अधीक्षक विभागीय प्रमुख सड़कों पर पैदल भी घूमा करते थे। वे देखा करते थे कि कितनी, ये देखिए एक काला मवेशी और आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, शहर की क्या स्थिति है, जिले की क्या स्थिति है। एक आपको बाएं हाथ तरफ भी, एक दाएं हाथ तरफ दो आपको आवारा मवेशी यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। वो दिन हवा हुए जब शहरों में, जिले में, जिले के अधिकारी जो वरिष्ठ अधिकारी होते थे विभागीय प्रमुख, वे पैदल घूमा करते थे, वाहनों के शीशे खोलकर घूमा करते थे। अब तो वातानुकूलित वाहनों में सभी घूमते हैं और सांसद विधायक, उन्हें भी शायद ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपको दिखा रही है। नगर पालिका परिषद कांग्रेस के होने के बाद भी किसी तरह की कोई कार्यवाही अब तक न ही प्रशासन के द्वारा की गई। देखा जाए तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी के साथ ही इन सब कामों को देखने वाले जो भी अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारियों की वेतन वृद्धियां रोकी जानी चाहिए, उनके इंक्रीमेंट रोके जाने चाहिए। अगर उनके इंक्रीमेंट रोकते हैं, उन्हें पदोन्नति पर जब उनकी बात आएगी, वैसे आर्थिक रूप से जिस तरीके से जुर्माना लगाया जाता है, जुर्माने से शायद अब जैसा लोगों का कहना है, लोगों का मानना है कि जुर्माने से बहुत ज़्यादा अंतर इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि वेतन को हाथ ही कौन लगाता होगा। जिस तरह से वर्तमान में व्यवस्थाएं चल रही हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, इसे देखते हुए इन अधिकारियों के वेतन वृद्धियां रुकनी चाहिए, इंक्रीमेंट्स रुकने चाहिए, उनके सर्विस रिकॉर्ड में इन चीज़ों को आने की बहुत ज़रूरत है। अगर वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से नहीं कर पा रहे, नगर पालिका के ठीक सामने आप देख सकते हैं एक मवेशी यहाँ सामने दिखाई दे रहे हैं और दो मवेशी यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। ये वास्तव में बहुत दुर्भाग्य की बात है सिवनी शहर की कि यहाँ पर आवारा मवेशी स्वच्छंद विचरण करते हैं। नगर पालिका परिषद अपनी तरफ से जो भी विज्ञप्तियाँ जारी करती हैं, अपनी खुद की पीठ ठोकती है। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता शायद नहीं है और सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस बात पर होता है कि विपक्ष में जो पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, वे भी इस पूरे मामले में मौन ही अख्तियार किए हुए रहते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट।
लोगों का ये भी कहना है, दबी जबान से लोग ये भी कहते हैं कि आपसी जुगलबंदी के चलते ये सब संभव हो पा रहा है, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चाहें तो इन सारी व्यवस्थाओं को पटरी पर मिनटों में लाया जा सकता है। विधायक दिनेश राय चाहें, सांसद भारती पारदी चाहें, तो ये व्यवस्थाएं पटरी पर मिनटों में आ सकती हैं। जिलाधिकारी संस्कृति जैन और अनुभागीय अधिकारी राजस्व मेघा शर्मा, वे भी इन सड़कों से निकलते होंगे, पर उन्हें भी शायद ये दृश्य उनके नज़रों से बच ही जाते होंगे, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि इनके खिलाफ कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त लेंगे। जय हिंद।